रुके ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप। कोरोना वॉरियर्स को आज भारतीय सेना देगी सलामी, सुबह 10 बजे से होगी कार्यक्रम की शुरुआत। तीनों सेना करेंगे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को सल्यूट, देश के बड़े शहरों के अस्पतालों में करेगी आसमान से फूलों की बारिश। बैंड की धुन के साथ आर्मी करेगी प्रदर्शन, अस्पतालों के बाहर होगा कार्यक्रम। 3 बजे के बाद समंदर में तैनात सेना के जहाज रोशनी से जगमगाएंगे, वायुसेना के जहाज करेंगे फ्लाई पास्ट। श्रीनगर से त्रिवेंद्रम तक होगा पहला फ्लाई ब्लास्ट, डिब्रूगढ़ से कच्छ के आसमान में भी दिखेगा फाइटर जेट का जलवा। तेज होती जा रही है कोरोना की रफ्तार, अब तक 37,776 लोग संक्रमित, 1,223 मरीजों की मौत। कोरोना से जंग जीतने वालों की संख्या भी बढ़ी है, अब तक 10,000 से ज्यादा स्वस्थ। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 790 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या 12,296 तक पहुंची, 521 मरीजों की मौत। गुजरात में संक्रमितों की संख्या 5,000 के पार, 24 घंटे में 26 नए मरीज। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4,000 के पार, अब तक 64 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 159 नए मरीज, कुल संक्रमितों की संख्या 2,487 तक पहुंची। आगरा में 36 नए मरीजों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 533 तक पहुंचा। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 231 नए मामले, राज्य में अब तक 2,757 संक्रमित। मध्य प्रदेश में 2,700 से ज्यादा मरीज, अब तक 145 की मौत। राजस्थान में संक्रमितों की संख्या 2,600 के पार, अब तक 62 संक्रमितों की मौत। राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप पर उठाया सवाल, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर जताई चिंता। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर लगाया रोजाना झूठ बोलने का आरोप, बोले डेटा सुरक्षा के लिहाज से मजबूत है ऐप। अब सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा जरूरी, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। ममता बनर्जी राज्यपाल धनखड़ की चिट्ठी के जवाब में 13 पेज की जारी की चिट्ठी, राज्यपाल पर लगाया कोरोना संकट के दौरान सत्ता हड़पने का आरोप। ममता की चुनौती, सरकार का कुछ नहीं कर सकते, राज्यपाल धनखड़ ने कहा, ट्वीट किया जल्द दूंगा जवाब। यूपी सरकार ने लॉकडाउन के बीच औद्योगिक गतिविधियों के लिए जारी की गाइडलाइंस, पूरी सावधानी के साथ काम शुरू करवाने के निर्देश। यूपी में 19 जिले रेड जोन, 36 जिले ऑरेंज जोन और 20 जिले ग्रीन जोन में हैं। कोरोना संकट में कृषि से जुड़े मुद्दों और सुधारों पर मंथन, पीएम मोदी ने एक बैठक में दिए अहम दिशा निर्देश। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 115 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आने वालों की पहचान शुरू। दिल्ली में पुलिस वालों पर टूट रहा कोरोना का कहर, अब तक 54 पुलिसकर्मी संक्रमित। कोटा से पुणे पहुंचे 74 छात्रों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद 14 दिन होम क्वारंटीन की सलाह। मुर्शिदाबाद में राशन बांटने में धांधली पर भड़का गुस्सा, राशन डीलर के घर के बाहर प्रदर्शन, जमकर पथराव और आगजनी। नासिक में 845 मजदूरों को लेकर निकली स्पेशल ट्रेन, कल यूपी पहुंचेंगे मजदूर। दाहोद में भड़का सीमा पार कर रहे लोगों का गुस्सा, रोकने पर किया पथराव, सूरत से मध्य प्रदेश जाना चाहते थे। अलीगढ़ में संक्रमितों की संख्या 33 तक पहुंची, एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 100 लोगों की होगी जांच। आज तक ई एजेंडा में कोरोना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा लॉकडाउन से खत्म नहीं होगा कोरोना, हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। केजरीवाल ने कहा पूरी दिल्ली को रेड जोन बनाना सही नहीं, केवल उन्हीं इलाकों को सील किया जाए जहां मिले मरीज। आज तक ये एजेंडा में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा तबलीगी जमात की वजह से राज्य में बढ़े कोरोना के मामले, सरकार की सख्ती से हालात नियंत्रण में। ये एजेंडा आज तक में यूपी के सीएम योगी ने एक हफ्ते में यूपी को कोरोना टेस्टिंग में देश का नंबर वन राज्य बनाने का किया वादा, कल्याणकारी योजना के काम का दिया ब्यौरा। ये एजेंडा आज तक में बोले सीएम योगी, सूबे में तबलीगी जमात ने बीमारी नहीं छिपाई होती तो नहीं बढ़ता संक्रमण। आज तक ये एजेंडा में नांदेड़ मामले में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान, लोगों को घर जाने से रोकना ठीक नहीं, 3 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दी गई थी इजाजत। ये एजेंडा आज तक में शिवराज सिंह चौहान ने की जमातियों पर लगाया कोरोना को देश में फैलाने का आरोप, कहा संक्रामक बीमारी छिपाकर बढ़ाया कोरोना का संकट। सीएम शिवराज सिंह ने दी जानकारी, ऑरेंज जोन ग्रीन जोन में रोजगार से जुड़ी गतिविधियां शुरू की जाएगी, कंटेनमेंट जोन को अभी इससे दूर रखा जाएगा। देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच अरुणाचल प्रदेश हुआ कोरोना मुक्त प्रदेश, सीएम पेमा खांडू ने दी जानकारी, राज्य में सिर्फ एक कोरोना पीड़ित था वो भी अब स्वस्थ। ये एजेंडा आज तक से जुड़े उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा 4 मई से हो सकेंगे केदारनाथ के दर्शन।
गोवा में भी 3 अप्रैल से कोरोना का कोई नया केस नहीं। 17 अप्रैल को स्वस्थ हुआ राज्य का अंतिम कोरोना पीड़ित। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने दी जानकारी, प्रवासियों की पुख्ता जांच के बाद ही घर जाने की दी जाती है छूट। प्रमोद सावंत ने बताया, गोवा में 10,000 मजदूरों को क्वारंटीन कर की गई थी जांच। 30,000 मजदूरों को जहां थे वहीं दिया भोजन, इसलिए कोई मजदूर राज्य छोड़कर नहीं गया। ये एजेंडा आज तक से जुड़े। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कहा, हमने लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए कराई मजदूरों की घर वापसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वित्त मंत्रालय के साथ बैठक, आर्थिक हालातों को लेकर रणनीति पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने पूरी की एक कैंसर मरीज की आखिरी ख्वाहिश, 10 लोगों की मौजूदगी में 5 मई को दी बेटे की शादी की इजाजत। दिल्ली के कापसखेड़ा में एक ही इमारत में 41 लोग संक्रमित, 18 अप्रैल को एक केस सामने आने के बाद करवाया गया था टेस्ट। दिल्ली सरकार के क्या एम्बुलेंस के कंट्रोल रूम तक पहुंचा कोरोना, 15 स्टाफ हुए कोरोना पॉजिटिव, ड्राइवर के आने जाने से फैला कोरोना। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, अब तक 35 लोग संक्रमित। दिल्ली में सीआरपीएफ के 12 जवान और पाए गए कोरोना पॉजिटिव, अब तक कुल 122 जवानों को हुआ कोरोना। पंजाब में अब तक 780 लोग कोरोना से संक्रमित, 72 घंटे में 400 नए मामले। दिल्ली के इंदुराव अस्पताल में एक डॉक्टर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, कुछ दिन पहले 2 नर्स हुई थी संक्रमित। बनासकांठा में राजस्थान बॉर्डर पर लगा लंबा जाम, निजी वाहनों की लगी लंबी कतार। देश में थम नहीं रहे कोरोना वॉरियर्स पर हमले, हैदराबाद में पुलिसकर्मी की पिटाई का वीडियो सामने आया। हैदराबाद में पुलिसकर्मी की पिटाई करने वाला शख्स ओवैसी की पार्टी एएम का बताया जा रहा कार्यकर्ता। रीवा में पुलिस ने लॉकडाउन का फर्जी पास बनवाने वाले 2 लोगों को पकड़ा, जिला पंचायत कर्मचारियों से साठगांठ कर बनाई थी योजना। कोटा से पुणे लाए गए 74 छात्र, बसों के जरिए पहुंचे पुणे, 14 दिन सभी रहेंगे क्वारंटीन। कानपुर में एक और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, दूसरे सिपाही की बेटी संक्रमित। डीएम एसपी और बीजेपी सांसद ने मिलकर उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, वायरल हुआ वीडियो। बागपत के जिला कारागार में गैंग वॉर, ऋषिपाल नाम के कैदी की हत्या। जालंधर में नाकेबंदी के दौरान युवक ने एएसआई पर चढ़ाई कार, बुनेट पर एएसआई को दूर तक घसीटा। दिल्ली के कस्तूरबा हॉस्पिटल में पीजी की छात्रा कोरोना संक्रमण, शुरू हुआ इलाज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।